सबसे पहला नंबर आएगा 105, जब आप वो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको आ ही जाएगा। तो सबसे पहला नंबर तो हो जाता है 105, पहला 3 डिजिट नंबर जो किससे डिवाइड होगा, 7 से। दूसरा कौन होगा, इसमें 7 और ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 112। तीसरा कौन सा होगा, 119, और 7 ऐड कर दीजिए 112 में। चौथा क्या होगा, और 7 कर दीजिए 126। पर ऐसे करते नहीं जाना है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। हमारा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999, है ना। 999 है लास्ट 3 डिजिट, फिर तो 1000 आ जाएगा, तो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो वो तो ले नहीं सकते क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर 3 डिजिट नंबर। अब 999 डिविजिबल बाय 7 है या नहीं, या आपका जो लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से, वो कैसे पता करना है? तो जो एक्सट्रीम नंबर जो है लास्ट हो गया है 999, उसको आप 7 से डिवाइड करिए। तो 7 × 7, ठीक है, 29, 7 × 4 = 28, 19, 7 × 4 = 14, और यहाँ पे 5 बचा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, है ना। डिविडेंड कितना था 999, तो 999 में से रिमाइंडर माइनस 5 कर दीजिए, क्या आएगा 994। तो जो लास्ट का जो नंबर होगा, मतलब यहाँ पे मैं जो डॉट डॉट लगा रहा हूँ, जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 994, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 7 से। आया समझ में? तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा हाउ मैनी, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ए क्या है आपका, पता ही आपको, 105। डी क्या होगा, डी होगा आपका ये 2, दैट इज a2 - a1 112 - 105, दैट इज 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, चलिए मैं रफ कर लूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, am क्या होता है, am होता है a + n - 1 × d। तो am क्या होगा आपका 994, तो 994 = a, दैट इज 105 + n - 1 × d, दैट इज 7। तो 994 = 105 + 7 × n = -1 - 7, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, तो 905 - 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 + 7, है ना। तो 7n क्या हो जाएगा, 994 में से 98 कर दीजिए माइनस, तो 994 में से 98 कर दीजिए माइनस, ठीक है, 896, ओके, क्या आएगा, 14 में से 8 लिया बचा 6, 896, तो 7n आएगा आपका 896, तो n आएगा 896/7, है ना। तो 7 × 1 = 7, 2 × 7, चलो n की वैल्यू आएगी 128, मतलब कितने नंबर्स हुए, 128 नंबर्स हुए, मतलब ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 128 नंबर्स होंगे इसके, इन दोनों के बीच, मतलब इन सबको मिला के जो 7 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ओके।